मॉरिशस की पॉपुलेशन की बात करें तो अभी लगभग है, ये स्कूटी है, फटफटी है, तो इससे जाऊंगा। तो ये मुझे वहाँ पे 25,000 हरी हरी का मतलब होगा। यहाँ पे आप लोगों को सारे मार्केट ऐसे ही दिखे। यहाँ पे उन लोगों ने देखो ये कपड़े सुखा रखे हैं, वो ये जो गंदा नाला आता है ना, ये है मॉरिशस रुपीज। हमने पहाड़ है, आप लोग सोच रहे हो ये मॉरिशस है या भाई इंडिया है, फीलिंग आ रही होगी इंडिया वाली। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ मेडागास्कर की राजधानी एंतानानारिवो में। पता नहीं होगा अगर लोगों को, लास्ट वीडियो मेडागास्कर का ये देख लो, ये फ्लाइट सीधा इंडिया से मेडागास्कर आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ से होटल से चेकआउट कर रहा हूँ। तो जैसा कि ये मेरा होटल था, सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। मैं जाने से पहले सामान अस्त व्यस्त जरूर करता हूँ कि कपड़ों में कुछ रह ना जाए। और आज मैं जा रहा हूँ, जैसा कि मैं मेडागास्कर जब आया था, जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं मेडागास्कर से जाऊँगा मॉरिशस, तो आज मेरी शाम को 5 बजे की फ्लाइट है मॉरिशस के लिए। तो अभी चलते हैं मॉरिशस और करते हैं यहाँ से चेकआउट। यहाँ से जो मॉरिशस का सफ़र है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हॉस्टल में मेरा एक भाई रहता है, टॉमी। आई केम टू से यू बाय बाय। I think in Mother Chills have... You didn't invite me for mango. Yeah, mango. I love India. No. I will this year. When will you come to India? Goa. Yeah. Oh my God, Goa beach. Okay, see you. Yeah, see you. Bye-bye. Enjoy your trip. Okay, bye-bye. See you. Bye. तो चलते हैं, ये काफी दिनों से साथ में थे हम लोग हॉस्टल में। Okay, bye-bye. Bye-bye. See you again. Okay, see you again. Yeah. ये यहाँ पे मेरे होटल का स्टाफ था, काफ़ी अच्छा था। पिछले 10 दिनों से तबीयत खराब थी, तब से यहीं पे पड़ा था। हालांकि 2-3 दिन से ठीक लग रहा है, फिर भी गला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पे बिल्लियाँ देखो यार, ये बिल्लियाँ बहुत अच्छी थी। इन बिल्लियों के साथ में मेरा अच्छा खासा टाइम पास हुआ, इन्हीं के साथ खेलता रहता था। तब तबीयत खराब थी तब मेरी। हाय, आई एम गोइंग, बाय बाय, सी यू, बाय, से बाय। ये देखो कितनी क्यूट है ना, देखो बेटी। ये वाली रोड आप लोगों ने पहले बहुत बार देखी होगी वैसे तो। हाय, वहाँ से यार मुझे यहाँ पे ना पेट्रोल पंप पे दुकानें होती है, तो वहाँ से मुझे कुछ चॉकलेट खरीदनी है। भूख लगेगी तो चॉकलेट खरीद लेता हूँ, बैग में पड़ी रहेगी, थोड़ा सा खुला पैसा भी पड़ा है तो वो भी मेरा यूज आ जाएगा। यहाँ से मुझे लेनी है चॉकलेट, थैंक यू। ये वाली लिए कभी भूख लगेगी तो। ओके भाई, सी यू। 3,000 के एक स्निकर्स देते हैं यहाँ पे, लगभग 60 इंडियन रुपीज़ की। 60 इंडियन रुपीज़ आपने 2-3 आ जाए, इतनी छोटी वैसे छोटी है वो, आपने शायद 20 रुपये या 25 रुपये में आती होगी एक, वो यहाँ पे 60 रुपये की पड़ती है। 3,000 मेलागासी हरेरी की आती है जो 60 इंडियन रुपीज़ के लगभग होता है, काफ़ी महंगा है यार। ये बच्चे हैं जो फॉलो करते आ रहे मुझे काफ़ी दूर से। बट लास्ट दिन है, ओके भाई, मर्सी। बच्चों को पैसे दोगे ना तो मर्सी जरूर बोल के जाएंगे। मर्सी मतलब होता है थैंक यू, धन्यवाद। कुछ खाना पीना पैसे कुछ भी दोगे तो। और मैं यहाँ से कोई टैक्सी देखता हूँ, देखिए यहाँ से मुझे कोई टैक्सी मिल जाती है तो। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? गुड, कैन यू ड्रॉप मी एयरपोर्ट? एयरपोर्ट हाउ मच? एयरपोर्ट, या एयरपोर्ट 20,000। ओके लेट्स गो। देखो मैं टैक्सी वाले, फोर व्हीलर वाले मांगते हैं यहाँ से कितना मांगते हैं यार, 70,000 हरियाली, 70,000 लगभग 1,400। इसको मैं दे रहा हूँ 25,000 हरियाली। ये स्कूटी है, फटफटी है, तो इससे जाऊँगा। तो ये मुझे वहाँ पे 25,000 हरियाली का मतलब हो गया, लगभग 450 के रुपए के लगभग होता है। ये वाला कैसा हेलमेट दे दिया भाई ने यार, खोपड़ी में ही फिट नहीं हो रहा मेरे तो, भेजा ज़्यादा मोटा है मेरा। यहाँ पे आप लोगों को सारे मार्केट ऐसे ही दिखेंगे, जैसे ही मार्केट है ना, सारे मार्केट ऐसे ही दिखेंगे आप लोगों को। छोटे छोटे फुटपाथ पे लगे हुए मार्केट मिलेंगे यहाँ पे, बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह है जो बहुत नए के बराबर। ये देखो ये ऊपर जो है, ये मैन यहाँ का सिटी सेंटर एरिया है कुछ ऐसा है। हम लोग आ गए जो ये मेडागास्कर एंतानानारिवो के बाहर का पार्ट है, वहाँ पे
भाई वो कितना कचरा डाल रखा है यहाँ पे भाई। देखो ऐसे झोपड़ पट्टी में लोग रहते हैं यहाँ पे झोपड़ पट्टी बना के, और ये है जो यहाँ पे सामान ढोने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे उन लोगों ने देखो ये कपड़े सुखा रखे हैं, वो ये जो गंदा नाला आता है ना इसमें से कपड़े धो के सुखाते हैं वो लोग, ये गंदा पानी आता है इसी से कपड़े धोते हैं यहाँ पे। मैं पहुंच गया हूँ एंतानानारिवो के एयरपोर्ट पे, और जब मैं यहाँ पे आया था तब तो नाइट का टाइम था, लगभग 2-3 बज रहे होंगे, 2 बजे आके यहाँ पे लैंड हुई थी फ्लाइट। तो अभी हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर को, और अभी लगभग टाइम हुआ है लगभग 2:30 बजे हैं, तो 5 बजे अपनी फ्लाइट है, लगभग 2.5 घंटे हो रहा अपने पास यहाँ पे बैठने के लिए। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत छोटा एयरपोर्ट है, कोई खास ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, ये छोटी सी पार्किंग है यहाँ की। आज तो काफ़ी भीड़ भड़ाका दिख रहा है यार, जिस दिन मैं रात को आया था ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल सुनसान पड़ा था यहाँ पे, एक बंदा भी नहीं दिख रहा था, बस केवल हमारी फ्लाइट के पैसेंजर थे और एक बंदा भी नहीं दिख रहा था मुझे। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट में, और यहाँ पे एयरपोर्ट में भाई साहब इतना वापस, जब आप लोग यहाँ पे लैंड करोगे ना, जब इतना जलील नहीं करेंगे आप लोग, वापस जाओगे ना तब बहुत ज़्यादा जलील करेंगे। एक जगह कुत्ते से चेक करवा रहे हैं, फिर यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो चेक कर रहा है, फिर वहीं पे पुलिस वाले खड़े हैं, फिर वो अंदर ले जाके सारा बैग वैग खुलवा के फिर से चेक करें। हद हो गई यार, कुत्ता है जो पूरे बैग चेक कर रहा है, पहली बार देखा है एयरपोर्ट पे जो कुत्ता चेक करता है। और यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर, जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था ना, इतने करप्टेड है भाई एयरपोर्ट पे, लैंड बॉर्डर पे तो मैंने देखा था, लैंड बॉर्डर पे लोग ना ब्राइब मांगते, रिश्वत मांगते, बहुत जगह देखा था, लेकिन एयरपोर्ट में ना मैंने पहली बार देखा कि भाई एयरपोर्ट पे आप लैंड हो रहे हो और वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे रिश्वत मांग रहा है। हद हो गई भाई, जब मैं आया तब यहाँ से मेरे से $50 मांग रहा था, मैंने बोला कोई $50 नहीं है, मेरे पास $1 नहीं है, मैं $1 नहीं देने वाला तेरे को। हद हो गई, मेरे पास सब कुछ था, रिटर्न फ्लाइट बुकिंग थी, मेरे पास फंड था, मेरे पास होटल बुकिंग थी, सब कुछ था, उसके बावजूद बोल रहा है $50 दो। यहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट है, ये कोई रेस्टोरेंट है, ये बंद पड़ा है, बस ये यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया है, ये इतना सा यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया है, एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं है खाने पीने को। यदि आप लोगों को कुछ खाना पीना भी होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए भी, वो एक होटल वगैरह है पीछे रेस्टोरेंट टाइप का, तो वो बंद पड़ा है। मिडिल सीट भी है तो विंडो से साइड से दिखाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 सीट उधर है, 3 सीट बीच में है, और 3 सीट फिर वो साइड में है, तो हम लोग हैं बीच वाली पे, तो आप सीधा मॉरिशस चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे आप लोग। ये देखो एयर मॉरिशस, ये है देखो यहाँ पे इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस, जो अभी हम लोग हैं वहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे है जो इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एक ही होगा ये पोर्ट लुइस, अभी हमारी फ्लाइट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। आप लोग देखिए ये पोर्ट लुइस, यहाँ पे कैपिटल है यार, कहाँ पे कैपिटल रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट में है जो इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो गाइज वेलकम टू मॉरिशस, मॉरिशस में स्वागत है आप सब लोगों का। तो अभी हम लोग पहुंच गए मॉरिशस, यहाँ पे टाइम हो गया लोकल 8 बज गए, फिक्स 8 बजे हैं अभी, और अभी थोड़ा सा इमिग्रेशन प्रोसेस करते हैं पूरा। वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए, और यहाँ से पहली झलक एयरपोर्ट की कुछ ऐसी दिखती है। अब हम लोग चलते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, जल्दी से लेते हैं स्टाम्प एक और कंट्री का, कौन सी कंट्री है अपनी, आई डोंट नो यार, भूल गया कौन सी कंट्री, अब तो काउंट करना ही छोड़ दिया। एयरपोर्ट तो काफ़ी अच्छा खासा बना रखा है इन लोगों ने यार, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, मेडागास्कर के एयरपोर्ट से तो बहुत लंबा है, काफ़ी बड़ा है ये देखो, और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, टूरिज्म है ना इसलिए। ये देखो यहाँ पे मॉरिशस की झलक, और यहाँ पे देखो भाई
SBI ने जबरदस्त प्रचार प्रसार कर रखा है वैसे यहाँ पे पूरी लाइन पे ना SBI के बोर्ड लगे हैं। ये देखो भाई यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान। यहाँ से मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया है पूरा। रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी है, होटल बुकिंग भी मांगी है। होटल के लिए तो मैंने उस भाई को बोला यार मैं ना अलग अलग पार्ट्स में रहूँगा, अभी तक मैंने होटल बुक की नहीं है वैसे। फिर उसने बोला फ्लाइट रिटर्न फ्लाइट दिखा दो, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने बोला रिटर्न फ्लाइट दिखाओ। रिटर्न फ्लाइट मैंने बुक कर रखी है ऑलरेडी, तो वो दिखा दी। और वीज़ा फ्री है, जॉब कॉस्ट है, वीज़ा ऑन अराइवल है, आप लोग आ सकते हैं मॉरीशस। और ये आ गया यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया। सबसे पहले तो यहाँ पे ये MCB बैंक है, यहाँ से पैसा निकालते हैं, फिर उसके बाद बाकी सारे काम। TN मॉरीशस की जो करेंसी है वो रुपीज, और मैंने यहाँ से निकाले 4000 रुपीज। ये है मॉरीशस रुपीज, ये है यहाँ की करेंसी। देखो कितने कितने 5-5। अरे कटाफटा नोट कैसे आ गया यार, इसको लेंगे या नहीं लेंगे। बाकी नोट तो ठीक लग रहे हैं, 500-500 के निकले हैं सारे के सारे नोट, आप लोग देख लो, बाद में अच्छे से दिखा दूंगा यार। वैसे मॉरीशस की जो करेंसी है वो इंडिया से लगभग डबल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ का अपना मॉरीशस का एक है जो रुपीज, और अपने 1.90 रुपए बराबर। हाय, सो मैं अभी आ गया हूँ यहाँ के पार्किंग एरिया में, और यहाँ से मैं होटल को जा रहा हूँ। होटल वगैरह कुछ बुक नहीं किया, यहाँ पे सिम कार्ड की शॉप सारी बंद हो गई है एयरपोर्ट पे। बाहर है जो कोई सिम कार्ड, आसपास कुछ नहीं है एयरपोर्ट के। आप लोगों को यहाँ से केवल टैक्सी ही लेके जाना पड़ेगा। ये आप लोग देख लो, ये यहाँ का टैक्सी एरिया कुछ ऐसा है मॉरीशस एयरपोर्ट का। टैक्सी लेके ही मुझे जाना है होटल, और होटल ये भाई बता रहा है 1200 मॉरीशस रुपीज का, जो लगभग 2200 रुपए के लगभग होता है। एक मॉरीशस रुपीज में है जो 1.90 रुपए इंडियन रुपीज होता है, तो लगभग ऑलमोस्ट डबल मान के चलना हर 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 किसी की प्राइस में। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैं मेडागास्कर से यहाँ पे मॉरीशस आ गया था, रात हो गई थी लगभग 8:08 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हुआ था। और उसके बाद है जो भाई मॉरीशस ना 35-40 किलोमीटर में फैला है पूरा का पूरा, और वहाँ से जो मॉरीशस एयरपोर्ट है वहाँ से मैं 35 किलोमीटर दूर इधर यहाँ की कैपिटल है पोर्ट लुइस वहाँ तक आ गया। भाई पूरा का पूरा सुनसान रास्ता है, आसपास कोई घर बार नहीं है, थोड़े थोड़े घर है। अब ये सिटी है देखो यहाँ पे, अभी मैं पोर्ट लुइस के पास में, पोर्ट लुइस से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ मैं, वो सामने पहाड़ है। आप लोग सोच रहे हो ये मॉरीशस है या भाई इंडिया है, सेम इंडिया जैसा दिख रहा है आप लोगों को। ये बिल्डिंग्स वगैरह मुझे सेम ना जयपुर लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं मॉरीशस में हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं मॉरीशस में हूँ। ये बिल्डिंग्स वगैरह देख के ना आपको ऐसे लग रहा होगा कि बिल्कुल कोई जयपुर का, मतलब जयपुर का क्या, ये इंडिया का कोई शहर है, ऐसे लग रहा होगा आपको। मतलब इंडिया वाली वाइब्स आएगी आप लोगों को पूरा यहाँ पे मॉरीशस में आती है। अभी थोड़ा सा मार्केट वगैरह चलते हैं, मार्केट थोड़ा सा हो सकता है अलग मिलेंगे। और अभी मैं यहाँ पे होटल में आके रुका था यार, ये देखो यहाँ पे महंगा इतना है हद से ज़्यादा। मैं लगभग 30 किलोमीटर आया हूँ यार मैं, 30 किलोमीटर जहाँ एयरपोर्ट से जहाँ मैंने होटल लिया है ना, तो मेरे टैक्सी का लग गया 3000 टैक्सी वाले ने ले लिया क्योंकि रात का टाइम था। ठीक है, मैंने सोचा यार क्या करूँ, देना पड़ेगा, सारे ही टैक्सी वाले इतना ही कोई इससे ज़्यादा मांग रहा था। ये रूम वगैरह देख रहे हैं, एक छोटा सा बेड डाल रखा है, एक बड़ा बेड डाल रखा है। इसका कॉस्ट है 2900 इंडियन रुपीज। यहाँ की करेंसी भी, मॉरीशस की करेंसी भी रुपीज ही है, और इंडिया की करेंसी भी रुपीज ही है। तो अभी मैं थोड़ा सा मार्केट वगैरह जा रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको आज ये पहले दिन की जो मॉरीशस की, मेरा जो मॉरीशस का फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर हम मॉरीशस है कैसा। इंडियंस लोग बहुत है यहाँ पे, कोई अच्छी खासी हिंदी भी बोलता है, कोई टूटी फूटी भी बोलता है, लेकिन हर जगह हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे आपको मॉरीशस में। क्योंकि सालों पहले ना जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल किया करते थे, तब उन लोग वो लोग यहाँ पे इंडियंस को काम करवाने के लिए लेके आए थे, तो तब से वो लोग है ना यहीं पे बस गए। ये देखो ये है मेरे होटल से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, बाहर से तो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। ऊपर से देखने से ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया का ही कोई शहर है, यहाँ से नीचे से देखने भी आपको ऐसे ही लगेगा कोई इंडिया का ही शहर है। यहाँ पे लोग है जो ATM पे लाइन लगा रखे हैं। कल शाम को मैंने यहीं से पैसा निकाला था, MCBM बैंक, ध्यान रखना MCB ATM से आप लोग पैसा निकालते हैं तो कोई चार्ज नहीं करने वाला है MCB बैंक आपसे। तो मॉरीशस में जब भी आओ तो MCB बैंक से चार्ज पैसा निकालना। और सबसे पहले यार खाना खाते हैं, सामने फूड कोर्ट है भाई, सबसे पहले चल के वहाँ खाना। आ रही होगी ना आपको फीलिंग, आ रही होगी इंडिया वाली, ऐसे लग रहा होगा कि इंडिया के ही किसी शहर में है। तो अभी थोड़ा सा वो फूड कोर्ट है सामने, वहाँ चल के थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं यार।
कल शाम को भी इतना कोई खास खाना पीना हुआ नहीं, यहाँ तक पहुँचते मेरे को 10:30 हो गया, 10:30 बजे जो ऑलमोस्ट सब बंद हो गया था, तो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा के काम चलाए मैंने कल शाम को भी यहाँ पे। ये बस वगैरह सेम, अरे श्रीलंका जैसी बस है यार ये तो, श्रीलंका में भी ऐसी बस हुआ करती, थोड़ी सी मिलती जुलती बस हुआ करती थी श्रीलंका की। और यहाँ के कबूतर सारे के सारे ऐसे क्यों लग रहे हैं कि इनको पोलियो हो रखा है, ये देखो सारे के सारे कबूतर अलग कलर के कबूतर हैं यहाँ पे, अपने इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट कबूतर है ये। और आज मैं, मुझे थोड़ा सा सिम कार्ड लेना है, और फिर मैं सोच रहा हूँ यार ये बाल वाल थोड़े से कटवा लूँ, दाढ़ी वाड़ी सेट करवा लूँ, जंगलियों की तरह हो रखा हूँ मैं। चलता हूँ पहले तो इसमें खाना पीना खाते हैं थोड़ा सा, दे दो अभी तो एक खा के टेस्ट करता हूँ, यहाँ बैठ के खा सकते हैं ना। ओके भाई ये टेस्ट करके देखता हूँ सबसे पहले तो। एक रोटी टाइप का होता है, उसमें थोड़े सी क्या बोलते हैं उसको, अचार मिर्ची और कुछ सलाद वगैरह सब्जी वगैरह डाल के देते हैं, टेस्ट ठीक ठाक है। अभी प्राइस तो मैंने पूछा नहीं, भूख लगी थी मैंने बोला तू दे दे भाई मेरे को भूख लगी है, प्राइस इतनी लेनी हो ले लेना। अभी यहाँ पे दो रोटी खाई है, उसमें थोड़ी सी चिली वगैरह और अचार वगैरह डाल के देते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्टी था, ज़्यादा महंगा नहीं था यार खाना, ज़्यादा महंगा नहीं है यार, जैसा ही खाना पीना है तो उसका मेरे को 30 रुपीज़ देना पड़ा, इंडियन करेंसी की बात करो तो लगभग 60 इंडियन रुपीज़ देने पड़े, मॉरिशस के 30 रुपीज़ देने पड़े थे मेरे को। और अब यहाँ पे चलते हैं यार, सिम कार्ड लेना है सबसे पहले मुझे। ये यहाँ का कोई बस स्टैंड है, अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। मेडागास्कर में ना तबीयत ख़राब थी, वहाँ से मैं ये सोच रहा था जितना जल्दी निकलूँ ना उतना जल्दी ठीक है मेरे लिए। यहाँ पे अच्छी वाइब्स आ रही है, इंडिया जैसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। और ये कोई छोटा सा पार्क बना रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, ये देखो बरगद का पेड़। मेरी सूज की शॉप पे लगा रखी है इन लोगों ने, पूरा सेम टू सेम इंडिया डिट्टो कॉपी है भाई, इंडिया ये मार्केट है ना उनकी, डिट्टो कॉपी है इंडिया वालों की, डिट्टो कॉपी क्या है, इंडिया के लोग ही यहाँ पे सारे के सारे इंडिया के लोग आके बसे हैं। हालांकि ये लोग आप थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा हिंदी बोलते हैं, उतना फ्रेंडली हिंदी नहीं बोल पाते लेकिन टूटा फूटा बोल देते हैं हिंदी ये लोग। ये देखो ये सामने पूरा सेम डिट्टो इंडियन मार्केट लग रहा है। दूध का दुकान है, क्या नाम है आपका? दाऊद है, बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छा है। मैं क्या करूँ, ट्रस्ट नहीं है ये, मेरे पास बाइक वगैरह कुछ नहीं है, मैं तो इंडिया से हूँ, इंडिया से पब्लिसिटी करता हूँ। अच्छा पब्लिसिटी, हाँ मैं बता सकता हूँ, दाऊद का दुकान है, आप लोग यहाँ से दाऊद की दुकान से। माय नेम इज कैलाश, कैलाश ऑन यूट्यूब, या आई एम अ यूट्यूबर, आई यूज टू लुक एट टू सी योर वॉच योर वीडियोस। अभी वो भाई मिला था, वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था मुझे, बोलता है मेरी दुकान का प्रमोशन करो तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे। भाई मॉरिशस के लोग मेरा चैनल थोड़ी ना देखते होंगे, यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं लेकिन बहुत कम जानते हैं, तो वो लोग थोड़ी आएंगे यहाँ पे। इस गली में एक बार्बर शॉप भी बताते हैं और एक सिम कार्ड शॉप भी बताते हैं। देखो ये गलियाँ ना सेम डिट्टो इंडिया की गलियों जैसी लग रही है, बस सेम डिट्टो इंडिया की गलियों जैसी। कितने रुपीज का दिया? 25। 50 एक दे दो। यहाँ पे एक नारियल पानी पी रहा हूँ यार, एक तो यहाँ पे 50 इंडियन रुपीज़ का एक नारियल का पानी है और मॉरिशस की 25, तो नारियल पानी पीते हैं यहाँ पे। नारियल देखो भाई कितने बड़े बड़े नारियल हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े नारियल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये वाला नारियल देखो कितना बड़ा है, बहुत ज़बरदस्त वाला बड़ा है भाई ये वाला। तो मैंने उसको दिया एक 100 का नोट, और वो देवी है जो सिक्कों की बारिश कर गई मेरे पास चेंज की, अब मुझे सिक्के ही सिक्के यूज़ करता रहूँगा बस, मैं ये जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे। ये वाला मार्केट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे शायद मुझे हो सकता है मुझे सिम कार्ड मिल जाना चाहिए इस मार्केट में। पूरे मार्केट को छान मारा, कोई ये नहीं बता पा रहा है कि भाई सिम कार्ड मिलेगी कहाँ पर मुझे। तो जब भी आओ सबसे बेटर है ये आप लोग सिम कार्ड ना एयरपोर्ट से परचेज कर लो, वो सबसे ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर इधर उधर धक्के खाते रहोगे। एयरपोर्ट भी सीधा वहाँ पे 2-3 काउंटर खुले होते हैं, तो वहाँ से सिम कार्ड परचेज कर लें तो ज़्यादा बेटर होता है। ओह फाइनली ये टेलीकॉम शॉप मुझे मिल ही गई यार, बड़ी दूर दूर तक मैं भटका हूँ इस शॉप के चक्कर में, कितना भटका हूँ पूछो मत। अब इसका गेट किधर से है यार, सिम कार्ड लेनी है, बड़ा भटका हूँ भाई ये सिम कार्ड शॉप के चक्कर में, खूब
चारों तरफ चक्कर काट पीट के और फिर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचा हूँ सिम कार्ड लेने के लिए। यहाँ से मैंने सिम कार्ड परचेज कर लिया है, मॉरिशस टेलीकॉम, सिम कार्ड का नाम है मॉरिशस टेलीकॉम, और जो मुझे प्राइस पड़ा है वो है 600 मॉरिशस रुपीज़, जो कि 1200 इंडियन रुपीज़ के लगभग होता है। उसमें मेरे को 100 GB इंटरनेट मिला है और कॉलिंग मिली है, एक वीक के लिए कॉलिंग मिली है, कॉलिंग फ्री मिला है। तो इंटरनेट 7 दिन के लिए 1200 रुपये काफ़ी महंगा है यार, मेडागास्कर में तो इससे भी ज़्यादा महंगा था। मेडागास्कर में 60 GB इंटरनेट मुझे मिला था लगभग 4000 इंडियन रुपीज़ के लगभग। चलो यार 100 GB तो मुझे कम से कम 1200 रुपये में तो मिल गया। वैसे मॉरिशस को जो फ्रीडम है ना वो 12 मार्च 1968 को मिली थी, और मॉरिशस की पॉपुलेशन की बात करें तो अभी लगभग है 1,70,000 के लगभग है, 1,70,000 मान लो आप लोग, जो कि यहाँ की 40% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है और 60% पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। और यहाँ पे हिंदू रिलीजन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसके बाद है जो आपको देखने को मिलेगी क्रिश्चियन रिलीजन की, उसके बाद है जो तीसरे नंबर पे आता है इस्लाम। हिंदू रिलीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि सालों पहले इंडिया से ही आए हैं हिंदू यहाँ पे सारे के सारे। और यहाँ पे 90% लोगों के द्वारा क्रियोल लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि लगभग डच बेस्ड बताते हैं इसको, और हिंदी है जो अब यहाँ पे बहुत कम न के बराबर बोली जाती है, बहुत कम लोग टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। हालांकि जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं, नई जनरेशन है जो बहुत कम हिंदी बोलती है यहाँ पे अब। सो गाइस ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो पहले दिन का मॉरिशस का जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो कुछ ऐसा था, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। काफ़ी कुछ देर से मैं यहाँ पे मार्केट में इधर उधर घूम रहा हूँ, कभी सिम कार्ड के लिए कभी खाने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ मॉरिशस के दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो अब तक नहीं किया वो अपनी श्रद्धानुसार ज़रूर करके जाना। मिलते हैं फिर जल्दी।